गुड आफ्टरनून क्लास। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज के कारण चीजें डिले हो रही हैं, तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका लेक्चर रहेगा आज और कल यूट्यूब पे मौजूद रहेगा। कल तक आप लेक्चर्स को रिपीट कर सकते हो। कल आपका जो लेक्चर रहेगा वो भी मौजूद रहेगा कल के दिन तक। उसके बाद जो डिलीट वगैरह की प्रोसेस होगी होगी। बाकी आप इतना लेक्चर अवेलेबल रहेगा कि आप आसानी से देख सको आराम से, तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। एंड डोंट बी पैनिक फॉर दैट कि थोड़ा सा लेट हो रहा है। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू। चैप्टर का नाम क्लियर है, मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं हाइपर ज्योमेट्रिक चैप्टर कराने वाला हूँ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले दैट इज द बेसिक थिंग वी हैव गिवन एंड राइट नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूला। तो सर बाइनोमियल करते थे तो एन सी एक्स ई ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स लेते थे। पॉइजन करते थे तो ई एन एम एक्स एक्स फैक्टोरियल लेते थे। अब हम शुरू कर रहे हैं आज हाइपर ज्योमेट्रिक, जो आपके इसका लास्ट पोर्शन है। हाइपर ज्योमेट्रिक में अब हमें दो डेटा अलग अलग मिलेंगे। दो डेटा कैसे अलग अलग? तो एक को आप m रिप्रेजेंट करोगे, एक को आप n रिप्रेजेंट करोगे। m रिप्रेजेंट करना, n रिप्रेजेंट करना डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास दो अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, तो एक कलर के फ्लावर को हम m बुलाएंगे और दूसरे कलर के फ्लावर को हम n बुलाएंगे। सेम दो कलर के बॉल्स मौजूद हैं तो m और n। दो कलर की कार्स मौजूद हैं तो दो कंपनी की, सपोज एक होंडा कंपनी की कार है, एक Hyundai कंपनी की कार है, तो हम एक को M बुलाएंगे और एक को N। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि किसके बारे में पूछा गया है। जिसके बारे में पूछा गया उसे M बुलाएंगे। M से जो चीज हम फाइंड करेंगे, तो एज इट इज हमें पता है हमें X की जरूरत होती है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एम सी एक्स, तो एम एन एक्स मतलब यहां क्या केस होगा? तो जो M में से फाइंड करने को कहा गया होगा, जैसे सपोज मैंने कहा Hyundai का, तो उसमें से मैंने जैसे 10 कार ले ली, मैंने उसमें से सिलेक्ट करने को कहा है। दो अलग अलग कंपनी की कार, इजी एग्जांपल, एक Hyundai कंपनी की कार ले ली और एक सुजुकी की ले ली, सपोज मारुति कंपनी की, और मैंने आपको Hyundai की कार सिलेक्ट करने को कहा, तो Hyundai पे से आएगा एक्स। क्लियर? तो एम सी एक्स एन। सर आर क्या होगा? तो आर यहां जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, सपोज अगर मैंने आपको टोटल 5 बॉल सिलेक्ट करने को कहे, तो आर मेरा 5 होगा। अब एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। एम एन मिल गया, एक्स मिल गया, आर माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या पाओगे? तो एम प्लस एन और जो भी आपका टोटल आउटकम रहेगा वो। मैं शुरू करता हूं फर्स्ट सम से, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, आपका पहला इलस्ट्रेशन है। आप पहले इलस्ट्रेशन से अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो। कोई भी कंसेप्ट नहीं पता चले आप पॉज ले लेना, स्टॉप ले लेना, रिमाइंड कर लेना। क्लियर? और सब्सक्रिप्शंस वगैरह कर लेना। खास कर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कुछ भी अपडेट हो तो आपको तुरंत मिले। पूरे टाइम यूट्यूब पे रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेस कर देते हो बेल आइकन, तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी मेरा जैसे कोई वीडियो आएगा। तो प्रिपेयर रहना। FIBCOM दैट इज योर लेक्चर, स्टैटिस्टिक्स हाइपर ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन यहां इंडिकेट कर रहा है वो बता रहा है, देयर आर 7 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स या इन एन आर्म। 7 रेड और 4 व्हाइट, दो अलग अलग चीजें मिली। मतलब मैं फॉर्मूले के हिसाब से बोल सकता हूं, एन मिल गया मुझे 7 और नेक्स्ट एन मिल गया मुझे 4। दिया हुआ ये 7 रेड एंड 4 व्हाइट, दो अलग अलग चीजें हैं। पहले जो दिया था दैट इज एन एम, बाद में जो दिया है क्या हमारा एन मिल गया हमें। उसके बाद हमें क्या कहा है, 3 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम इट, 3 हमने इसमें से निकाला, मतलब टोटल में से हम 3 निकाल रहे हैं। तो जब टोटल में से हम 3 निकालते हैं तो उसे बुलाते हैं आर। मैंने कहा था एम से जो फाइंड करेंगे वो एक्स होगा, टोटल में से जो निकल रहा होगा वो आर होगा। तो इनमें से हम 3 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, उसे हमने क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया। तो आर इज इक्वल टू 3। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो आगे उन्होंने दिया हुआ है, अब एक प्रोबेबिलिटी उन्होंने फाइंड करने को कहा है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में उन्होंने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में उन्होंने कहा है कितना, टू बॉल्स आर रेड एंड वन बॉल इज व्हाइट, 2 रेड एंड 1 व्हाइट। सेकेंड प्रोबेबिलिटी में उन्होंने क्या कहा है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी में अगर मैं आऊं तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी में मुझे बता रहे हैं ऑल बॉल्स आर रेड, मतलब सारे के सारे जो तीनों के तीनों बॉल्स हैं वो कौन से हैं, तो रेड ही है। और थर्ड प्रोबेबिलिटी में जो मैं आ रहा हूं बता रहे हैं मुझे कि ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, मतलब वो रेड कलर के भी हो सकते हैं और ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, तो ऑल सेम।
अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, अगर आपको ये पता चल गया होगा तो आप यहाँ पॉज करके ये डिटेल लिख सकते हो, उसके बाद आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं फॉर्मूले के दिए गए डेटास को मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं एम, तो हमारा एम यहाँ कितना है 7। फिर सी, एक्स का मैंने कहा एम से रिलेटेड होता है, एक्सीटर का है 2 red और 1 white, तो यहां मैंने रेड की प्रोबेबिलिटी दी थी एम को और एन को दी है ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, तो एम में से क्या सेलेक्ट करना होता है एक्स। वेरी गुड, मतलब ये पता चलना चाहिए हमें कि हमें एम के डिस्पेस से क्या करना था, एक्स सेलेक्ट करना था। तो मेरा फॉर्मूला होगा 7c, यहाँ एक्स क्या है तो एक्स हम लोग रेड को इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि एम पे से आ रहा है, तो कितना 7c2। क्लियर है, होप सो शुभम समझ में आ रहा होगा, शुभम को एक्टिव होगा, देख रहा होगा, उसे पता चल रहा होगा कि हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। 7c2 ले रहे हैं इनटू, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना था 4c, मेरा फॉर्मूला क्या था बताना, mcx ncr माइनस x, तो r कितना है 3 और x कितना है 2, तो 3 - 2 1 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। यस सर, मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूं, ये सब 1 डायरेक्टली लिख सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या था m plus n मतलब 7 plus 4 था और फॉर्मूले में क्या था c करके, दैट मींस r, तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो ये मुझे पहली प्रोबेबिलिटी मिल गई, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। 7c2 कैसे सॉल्व करते थे याद है ना, तो होप्स आपको फॉर्मूला याद हो इसका, इसका फॉर्मूला क्या था ncx का फॉर्मूला क्या था, ncx आप सॉल्व करते थे तो n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल। क्लियर, सो वेरी क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा ये फॉर्मूला था और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ncx के बाद जब हम आएंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7c2, तो 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो बचेगा क्या 7 फैक्टोरियल है, तो हम 7 से लेके 6 से लेके ऐसे 1 तक जाएंगे, 2 से लेके 1 तक जाएंगे और 7 माइनस 2 मतलब 5 फैक्टोरियल, तो मैं 5 फैक्टोरियल पूरा कट कर दूंगा, 2 1 3 3, तो 7 3 21। क्लियर, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा कितना 21। अब मैं ये क्वेश्चन जो पहली प्रोबेबिलिटी वाला है वो रब कर दूंगा, तो ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम बना रहे थे, तो इसका आ गया 21। ये है 4c 3 2 - 1 3 - 2 मतलब हाँ करेक्ट, वेरी गुड आंसर। अगर ऐसे ही अगर मॉस में ध्यान दोगे तो कंसेप्ट बहुत इजीली वे में पता चलेगा, 3 - 2 मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो 3 - 2 1 हो गया, तो 4c1 मतलब हमारा क्या हो जाता है 4 ही रहता है, तो आप 4c1 दोगे तो आपको 4 क्लियर हो जाएगा, 4c में दैट मींस ऑफ फॉर्मूला रखोगे तो भी 4 ही आने वाला है। फिर 7 + 4 कितना हो जाता है 11, तो हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा कितना 7 + 4 कितना दिया था हमें 3, तो 7 + 4 तो ये कितना हो जाएगा 11c3। 11c3 सॉल्व करने के लिए हम फिर सेम फॉर्मूला में रखेंगे n फैक्टोरियल, इधर 11 ले लूंगा अब मैं, ये x ले लूंगा, काफी बार हमने किया ही है, बहुत सारे चैप्टर्स में किया है, तो आपको 11c3 सॉल्व करना आता ही होगा कि हम 11c3 कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, फॉर्मूला था 7 + 4 c3, दैट मींस r हमारा 3 था, तो वी विल गेट दिस कैलकुलेशन। आप 11c3 सॉल्व करोगे, 11c3 सॉल्व करते ही आप लोगों का 165 अराउंड आ जाएगा, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा होगा। तो कैलकुलेशन हम करेंगे तो प्लस करो 21 + 4 दैट मींस 25, 11c3 सॉल्व करोगे आ जाएगा 165, तो अब ऐसे वैल्यू लेके आओ जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, तो 20 × 4 है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 20 × 4 कर दो, कितना हो जा रहा है 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, दैट इज 48, यू विल गेट द आंसर, ये आ गया 48 डिवाइड बाय। अब हम इसको और कम कर सकते हो, तो सर कैसे कम करें, तो हम कैलसी लेने और देखें क्या फिर से डिवाइड हो रहा है, आप इसको और चाहो तो और डिवाइड कर सकते हो, 20 × 4 दिया, दैट मींस मेरी वैल्यू आ गई 84 और 84 आ गया है, 84 को हम डिवाइड कर देंगे, जिसे हमारे पास ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली 84 डिवाइड बाय 165 भी कर सकता हूं, तो 0.50 आ जा रहा है, पर अगर आपको ऐसा नहीं पा रहा है तो आप कोशिश करो कि कौन सी वैल्यू 3 से और डिवाइड करके, सपोज मैं डिवाइड करता हूं 84 को डिवाइड बाय 3, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है 28 आ जा रहा है, ये भी 3 से डेफिनेटली डिवाइड हो रहा होगा, 165 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो ये आ जा रहा है 55। सर हम यहीं तक छोड़ दे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, आप आसानी से कवर अप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है प्रॉपर है,
ये फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. 20 into 1, 20 into 4, दैट मीन्स 84 आ गया. 11 into 3, दैट मीन्स 165 आ गया. डिवाइड करके 28/55 आ जाएगा. तो होप्स आप यहाँ तक कैलकुलेट कर लोगे. ये तो आपने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व किया, सबसे पहला ट्रिक देखा. सेकेंड प्रॉपर्टी इसने क्या दी है, ऑल बॉल्स आर रेड. सारे के सारे बॉल्स को उन्होंने क्या बता दिया, रेड बता दिया. तो जब ये सारे बॉल्स को रेड की प्रॉपर्टी बता देते हैं, पॉज करके आप स्टॉप कर लेना, यहां तक सॉल्व कर लेना, फिर आप आगे आ सकते हो. अभी बोल रहे हैं कि सारे के सारे बॉल रेड हैं. तो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं 7, दैट मींस मेरा रेड सी, ऑल द बॉल्स आर रेड, मतलब कितने निकाल रहे थे यार, टोटल 3 निकाल रहे, तो 3 4 यहां जो होगा कुछ भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 4 सी 0 हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि हम उसको लिखते ही नहीं है. आप चाहो तो लिख सकते हो, आंसर आपका 1 आएगा. 4 सी 0 दैट डजंट मीन 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 1 रखेंगे. तो 7 सी 3 रखेंगे एंड अगेन अपॉन में 11 सी 3. तो जब आप 7 सी 3 सॉल्व करोगे, अगेन फॉर्मूला मैंने बताया, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल. द फॉर्मूला इज रिटन ऑन बोर्ड, यू कैन कंसीडर दिस फॉर्मूला, यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द गेट योर आंसर. दैट मीन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जब हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका भी आंसर हमारा कुछ आ जाता है. 7 से 3 सॉल्व करोगे दैट इज 35 आ जाएगा. 11 से 3 सॉल्व करोगे तो 165 अगेन आ जाएगा. इसको हम और वैल्यू से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. आप डिवाइड करोगे तो 5 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं. 5 के टेबल से डिवीजन देखोगे तो क्या आ जा रहा है, 5 7 35 और 5 33 की वैल्यू से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट 7/33. ठीक है सर, ये भी समझ में आया. आप चाहो तो आप आगे फॉर्मूला पूरा लिख सकते हो, इनटू 4c0, ऊपर 4c0 है, इसका मतलब 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1. तो मैं अगेन कैलकुलेट करके 35 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो मेरा आंसर 35 ही होता. तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंटेन द सेम थिंग. अब मैं अगर आऊंगा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है ऑल आर द सेम, दैट मींस ऑल बॉल्स आर सेम कलर. तो जब ऑल बॉल्स आर सेम आ गए, मतलब 3 एम भी हो सकते हैं, मतलब 3 रेड बॉल्स भी हो सकते हैं और 3 ब्लैक बॉल्स भी हो सकते हैं. तो इजी कैलकुलेशन है, मैं यहां लिखूंगा 7c3. अब मैं बीच में प्लस कर दूंगा, क्योंकि प्लस आ गया मतलब ऑल, ये भी हो सकता है या तो ये भी कंसिडर हो सकते हैं, और टोटल हो गया 11c3. सर बीच में प्लस कब लगाना है और मल्टीप्लाई कब लगाना है सर? तो साफ समझ में आता है 7c3, अगर ये 3 बॉल निकल गए तो और 3 बॉल हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो डेफिनेटली अगर बीच में प्लस रखूंगा इसका मतलब और हो गया, तो या तो ये बॉल हो सकते हैं या तो ये हो सकते हैं, और टोटल मुझे बॉल्स कितने विड्रॉ करना है तो 3 ही करना है. दैट्स द रीजन 7c3 4c3 और 11c3. अब आपका काम है कैलकुलेशन करना, कि कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितने मिनट की आंसर क्या है. जो भी आंसर आ रहा है फटाक से कमेंट में लिख सकते हो, तो मुझे समझ में आएगा कि आपका पूरा पूरा फोकस है, कितना आंसर आपका रहा है. देखते कौन वीडियो देखते रहेंगे, सबसे फास्ट कमेंट में लिख के भेजता है उसका आंसर. हाँ मुझे पता है, देख के या सॉल्व करके ऐसे जरूरत नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट करना उसके बाद सेंड करना, वरना देख के तो मुझे पता है तुरंत बता दोगे कि यह आंसर आया. लेकिन चला इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे कुछ इसका आंसर आपका 35 आ जाएगा, क्योंकि 7c3 सॉल्व करते हैं, प्लस सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, और अगेन ये तो हमारा 165, तो आपका कुछ फाइनल आंसर आ जाता है 39/165. आप इसको और डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करोगे तो 13/55. तो आगे की टेबल्स हैं 3, 5, जिससे डिवाइड हो रहा हो आप डिवाइड कर सकते हो. ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट्स इट. नाउ मैं थोड़ा स्पीडली ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा. अगर आपका यहां तक सॉल्व करना बाकी हो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद हम सेकंड सम सॉल्व करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है आपको. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे से सर जब आइडेंटिफाई करो कितने दो तरीके के क्वेश्चंस मौजूद, मतलब क्वेश्चन में कैसे दो डेटा मौजूद है. एक क्वेश्चन डेटा कौन सा है, एक एम का डेटा है और एक एन का डेटा है. सर ये एम किसको लेंगे, तो देखने का क्वेश्चन किसके बेस पे डिपेंड है. अगर सपोज मैं आपको मारुति, अभी जैसे क्वेश्चन करने वाला हूं, तो मारुति और फोर्ड, और मेरे सवाल में मारुति प्रीफर है, तो मैं एम को वो ले रहा हूं और एम को मैं सेकंड ऑप्शन दे दे रहा हूं. जैसे अगला सेकंड क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास टोटल 8 मारुति कार है और 6 फियाट कार है. तो 8 मारुति एम मिल गया हमें और 6 फियाट मतलब हमें यहां एन मिल गया. करेक्ट, वेरी गुड. ऐसे ही पता चलना चाहिए पुष्पराज कि ये एम कितना हो गया, एन कितना हो गया. होप सो सौरभ समझ में आ रहा होगा और पूरा फोकस आप वीडियो पे रख रहे होगे. एम दिया है 8 और एन दिया है 6. फिर उसके बाद बोला गया है 5 कार्स ऑन हायर. हम कितने कार हायर करने वाले हैं, 5, मतलब आर. यहां यही याद रखना, इस पॉइंट को नोट करना कि यहां पे
5 जो फाइंड करने को बोलेंगे वो x नहीं होगा, मैंने इसलिए बार बार डिमोट किया कि m के बेस पे से x मिलेगा। मैं मारुति कार, तो मारुति कार में से मैंने अगर 3 मारुति कार ली तो x की वैल्यू 3 होगी, पर जो टोटल कार होगी वो होगा r, जो हम फॉर्मूले में चेंज कर चुके हैं। मैंने बताया कि r रिपीट होगा हमारा। आगे हम रिपीट करते हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो 5 कार्स ऑन हायर में आगे लिखा है प्रॉबिलिटी दी है 3 मारुति कार की और 2 फियाट कार की और एटलीस्ट 3 आर मारुतीस और फिर बोला है ऑल आर मारुतीस, तो वो एटलीस्ट 3 आ जाता है तो आप उस चीज को अच्छे से समझते हो कि फिर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो मैं थोड़ा बोर्ड पे कैलकुलेट कर दू, बोर्ड पे कैलकुलेट कर दू तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जब मैं बोर्ड पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, आप कमेंट में लिखो जो नहीं आ रहा है मैं उस फ्री रहूंगा और आपको आंसर भी दे दूंगा। दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी भी, अब मैं डाटा पहले लिख लूंगा एज इट इज, मैंने सिखाया है कि सबसे पहले क्या करने का डाटा लिख लेने का। आपको m दे दिया है 8, m कितना दे दिया है तो m 8 है, n दे दिया है 6। रिपीट कर दो, ये मारुति कार से जुड़ा हुआ है तो इससे रिलेटेड जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ये हम लोगों ने फियाट कार से रिलेटेड लिखा था तो इन दोनों के बेस पे से जो मिलेगा वो r, जिससे हमें बोला है कितना निकालना है 5 कार्स हमें हायर करनी है तो मुझे ये मिल गया। अब मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं तो पहली प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्या कही है, पहली प्रोबेबिलिटी उन्होंने कहा है 3 मारुति होना चाहिए और 2 फियाट होना चाहिए। देखो अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी तो आर आप 5 ही निकाल सकते थे। अब मैं अगर चेक करूं तो मैं एम की वैल्यू क्या रखूंगा, एम रखूंगा 8, सी एक्स की जगह पे क्या रखूंगा मैं 3 रखूंगा इनटू फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है, फिर क्या आ जाएगा 8 3 के बाद 6, सी क्या रखेंगे हम लोग, यस वेरी गुड, 2 कहां से आया सर तो r माइनस एक्स, r कितना है 5, x कितना है 3, तो r माइनस एक्स 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा तो 8 प्लस 6 मतलब m प्लस 6, c क्या करेंगे हम लोग यहां पे, मैं क्या करना पड़ता है r, वेरी गुड, r की वैल्यू क्या है हमारी 5।